12.3, NCERT 12.3. What is the shortest wavelength of Paschen series? What is the shortest wavelength of Paschen series? ओके, पाश्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। मैंने ऑलरेडी बोला था पाश्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल तो अनंत ऊपर। ओके, पाश्चन कौन सा आता है? पाश्चन कौन सा? लाइमन बामर। हाँ, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट टीफन। पाश्चन बोल तो N13 आता है एंड N2 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स अनंत ऊपर। तो 1/लैम्डा इज आर ब्रैकेट 1 - N1 स्क्वायर माइनस 1 - N2 स्क्वायर। 1/लैम्डा आई डोंट नो बट हियर डायरेक्टली आई कैन यूज आर। दे हैव गिवन आर। ओके, यू नो दे हैव गिवन 1.097 इनटू 10^7 ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर। 1/N1 स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर माइनस 1/∞। 3 का स्क्वायर इज 9। टेकिंग रेसिप्रोकल ओनली रीजन आई एम मेकिंग यू डू बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू वेल वर्स्ट यूजिंग अवर कैलकुलेटर्स। सो प्लीज यूज कैलकुलेटर्स। लैमडा इज 3 का स्क्वायर 9 1.097 इंटू 10^7। सो लैमडा बिकम्स वॉट? 9 divided by 1.097। 9 divided by 1.097, I get 8.204 into 10^-7, or I can write 820.4 into 10^-9, मतलब 820.4 nanometer, 820.4 nanometer, NCERT 12.3. ओके, कैलकुलेटर बराबर से यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके, क्लियर?